हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो उसे बनाने के लिए ये हमने ले लिया है एक बाउल गेहूं का आटा, और इसे हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसमें हम डाल लेंगे सब्जियाँ। तो सब्जियाँ में हमने लिया है एक प्याज, वो हमने चॉप कर लिया है, और ये हमने दो मिर्च ली है और उसे भी हमने बारीक में काट लिया। मिर्च आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ये हमने एक गाजर को कद्दूकस कर लिया है, और ये हमने हाफ कैप्सिकम लिया है, उसे भी हमने बारीक में चॉप कर लिया है। ये हमने एक टमाटर ली है, वो भी हमने चॉप करके ले लिया है, और ये हमने थोड़े से हरे धनिया डाले हैं। हरे धनिया आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डाल लेते हैं 2 स्पून राइस फ्लोर, इससे बहुत ही अच्छा बनेगा, आपका थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाएगा। और इसमें हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और ये हमने लिया है 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स, और ये हमने लिया है 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को आप हाथों से क्रश करके डाल लीजिएगा ताकि फ्लेवर इन्हेंस होकर आए। और ये हमने लिया है 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा, ये आप ज़रूर डालिएगा। इस सब डालकर बहुत ही अच्छा टेस्टी आपका नाश्ता बनकर रेडी होगा। ये हमने ले लिया है 2 स्पून ये वाइट वाला तिल है, और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज का नाश्ता आप ज़रूर ट्राई करिएगा हमारे तरीके से, और अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार करेंगे। एक बार में आप ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो आपका घोल अगर पतला हो जाएगा तो आपका नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो ये जिसे हमने एक बाउल आटा लिया है, तो उसके हिसाब से हमारा बैटर में लगभग 1.5 बाउल के आसपास पानी लग जाता है। अच्छा सा एक गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा उसमें। अगर आप ज़्यादा डाल लेंगे तो आपका नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा और वो बैटर आपका ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो ये हम अच्छे से मिलाते हुए इसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा बैटर हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए जैसे हम लोग इडली बनाते हैं ना, उस तरह का बैटर हमें रखना है। और इसे अब हम रख देते हैं 10 मिनट रेस्ट करने के लिए, जब तक ये रेस्ट कर लेता है। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमने इसे ले लिया है। ये देखिए कितना अच्छा से फूल गया है हमारा आटा, जो है बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। तो चलते हैं इसे एक बार अच्छे से फिर से एक तरफ ही मिलाते हुए अच्छा से फेंट लेते हैं, ताकि हमारा नाश्ता अच्छा सा बनकर रेडी हो जाए। ये देखिए ये हमने इसे फेंट लिया है। अब चलते हैं गैस के तरफ। तो ये गैस पे हमने चढ़ा लिया है एक पैन, आप कोई तवा भी ले सकते हैं या फिर कढ़ाई भी ले सकते हैं, कुछ भी आपके पास जो है उसमें आप ले लीजिए। और उसे गर्म करने के बाद उस पर आप 1 स्पून ऑयल डालकर अच्छे से चारों तरफ मिला लीजिए, ताकि आपका नाश्ता चिपके नहीं। और तेल को भी अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें डाल लेंगे ब्लैक सरसों यानी राई डालकर इसे थोड़ा सा हम मिला लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वाइट वाला तेल, और इसे चारों तरफ से फैला देंगे। जितना दूर में हम नाश्ता रखेंगे ना, उतना दूर में हम इसे तिल और राई को अच्छे से फैला देते हैं। अब ये हम बैटर जो बना के रखे हैं, उसमें आप कोई कटोरी या फिर तड़का जिससे डालते हैं लगाते हैं, उससे आप इसमें डाल लीजिएगा। ये हमने एक कटहल डाल लिया है, ये देखिए, और इसे अच्छे से गोल सा शेप देते हुए हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे पैन में। जितना बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप इसे गोल सा शेप दे दीजिएगा। आज का नाश्ता जो हमने बनाया है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसे जब हम बना लेंगे तो इसे एक ढक कर इसे एक तरफ से अच्छे से पकने देंगे, उतना देर तक हम ढक कर रख देंगे। ये देखिए ऊपर से कलर चेंज हो गया है ना, देखिए इसे हम अब पलट लेते हैं, अब दूसरे तरफ से इसे हम पका लेंगे।
इसे भी हम दूसरे तरफ से भी ढक्कन को ढक कर इसी तरह से गोल्डन होने तक दूसरे तरफ से भी पका कर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनकर रेडी हो गया है। तो इसे हम एक तरफ से फिर से पलट लेते हैं और इसे अब हम हाई फ्लेम करके थोड़ा सा दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। आप ऐसे पूरा नाश्ता जितना देर तक बनाइएगा उतना पूरा आप मीडियम फ्लेम पर ही बनाइएगा। अगर तेज पर बनाइएगा तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा बन गया है ना। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरे नाश्ते को भी बनाकर रेडी करेंगे। तो ये हमने फिर से पैन में डाल लिया है एक स्पून ऑयल और इसमें हम डाल लेंगे अब काली वाली सरसों और थोड़ा सा डाल लेंगे हम वाइट तिल। और अब हम बैटर को फिर से उसी तरह से स्प्रेड करके एक डब्बू डाल लेंगे पैन में। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाएगा और खाने में सबको घर में बहुत ही पसंद आने वाला। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए एक तरफ से पक गया है तो इसे हम दूसरे तरफ से भी पलट कर इसी तरह से पका कर सभी को रेडी कर लेते हैं। जितना हमें बनाना है उतना हम बनाकर तैयार कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए कितना ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसे हमने धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। आप जो भी चटनी के साथ खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। ये बहुत ही सबको पसंद आने वाला है। इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर बच्चे को भी बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आपके बच्चे हफ्ते में 5 दिन आपसे यही बनवाने वाले हैं। और ये हेल्दी तो है ही क्योंकि हमने इसे बनाया है गेहूं के आटे से। तो आप तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसे देखिए हमने तोड़ लिया है। ये कितना ही सॉफ्ट बना है और टेस्टी भी बहुत ही है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।